सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को न्यू वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आज हम हैदराबाद की मशहूर फ़िश मार्केट मशीराबाद आए हैं फ़िश लेने के लिए। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारी फ़िशें हैं, इनके तो सारे नाम भी नहीं जानती मैं। बहुत सारी फ़िशें हैं, आप लोग को क्या क्या बताऊँ मैं कि अपने शार्क है यहाँ पे, टूना फ़िश है यहाँ पे, रूपचंद फ़िश है यहाँ पे, राव फ़िश है, बॉम्बल फ़िश है, बहुत सारी फ़िशें हैं यहाँ पर माशाल्लाह। बहुत फ़िशें हैं, इसमें से हम कुछ लेंगे अभी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जो हम फ़िश लेंगे उसी से हम हैदराबाद की मशहूर फ़िश बिरयानी बनाएंगे, जो कि हम अभी घर जाकर बनाएंगे। हम अभी टूना फ़िश लिए हैं थोड़ी सी, ये 1000 रुपये किलो है। बहुत सारे फ़िश है यहाँ पर, मैं रूपचंद भी ली हूँ और बम्बल फ़िश भी ली हूँ 1 किलो, और ये अपने राव फ़िश भी ली हूँ मैं, झींगे भी लिए हैं जो 300 से 500 रुपये किलो तक है। इंशाल्लाह अभी हम घर पहुँच के फ़िश बिरयानी बनाएंगे हैदराबादी मशहूर। और जो हम फ़िश लिए हैं रूपचंद 150 रुपये किलो वाली है ये, और राव भी 150 रुपये किलो वाली है, और हम लिए बॉम्बल फ़िश वो 200 रुपये किलो वाली है, 100 रुपये किलो वाली भी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जान नहीं सकते कि कितने प्राइस कैसा है यहाँ पर। झींगे हम 300 रुपये किलो वाले लिए, 500 वाले भी है, टाइगर झींगा नाम भी अजीब है। हम सारे अभी ले लिए, अभी घर जाएंगे, इंशाल्लाह पहुँच कर हम फ़िश बिरयानी बनाएंगे। ये मार्केट आए थे हम कि मेरे बेटे को बहुत ख्वाहिश थी कि फ़िश मार्केट देखेंगे, इसलिए हम ये मार्केट आए। Moments later. अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए फ़िश लेके। हम इसको मैरिनेट भी कर लिए फ़िश को। हम नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर लगा के हम इसको मैरिनेट कर लिए। आधा घंटा हो गया। हम चावल ले लिए बिरयानी के लिए, ये 1 किलो चावल है बासमती। प्याज लिए हम 2 बड़ी डल्ली ले लिए हम, इसको आधी गार्निशिंग को लेंगे, आधी मसाले के लिए। टमाटर ले लिए 2 बड़े वाले, इसको चॉप कर लिए हम। हरी मिर्ची ले लिए 5, इसको भी चॉप कर लिए। दही लिए हम 150 ग्राम। दही डालना ऑप्शनल है, डालना या नहीं डालना, पहले से ये बोलते आते हैं कि दही और मच्छी मिला के नहीं खाना चाहिए। अभी डॉक्टर साइंस से ये बात मालूम हो गई कि दही और मच्छी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अगर नहीं खाना चाहते तो इसकी जगह नींबू का जूस भी डाल सकते। हम ये ले लिए कोथमीर पुदीना ले लिए हम, और ये कलर है खाने का फूड कलर, और केवड़ा एसेंस मिला के रख लिए। अदरक लहसुन लिए हम 2 बड़े चमचे। मसालों में हम नमक लिए 2 चमचे, मिर्ची लिए रेड चिल्ली 2 चमचे, हल्दी आधा चमचा लिए, गरम मसाला पाउडर 1 चमचा लिए, कसूरी मेथी लिए आधा चमचा, 1 नींबू लिए हम, 1 से आधा डाल सकते, और ये खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता है 2, लौंग है, दालचीनी है, शाहजीरा है, ये हम खाने में डालेंगे। और हम तेल लेंगे 200 ग्राम। अभी हम स्टार्ट करते हैं फ़िश फ्राई से। तेल रख लिए हम, अभी हम फ़िश फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पे हम फ़िश फ्राई करेंगे। अभी हमारी फ़िश फ्राई हो गई, तो निकाल लेंगे इसको। फिश को ढाप के फ्राई करना, नहीं तो इसके छींटे उछलते हाथों पे। अभी हम इसको निकाल लेंगे। हम कढ़ाई रख लिए, अभी हम तेल डालेंगे इसमें, प्याज फ्राई करेंगे ग्रेवी के लिए। हमारी प्याज अभी फ्राई हो गई, हम थोड़ी सी निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसी में हम अदरक लहसुन डाल लेंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम। अभी ये भी अच्छे से फ्राई हो गया, हम इसमें टमाटर डाल लेंगे, और जो मसाले हम बताए थे सारे ये भी डाल देंगे।
अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और जब फिश फ्राई करे थे वो तेल भी हम डाल लेंगे इसमें। ये तेल भी हम इसमें डाल लेंगे। इसको हमको भूनते हुए पकाना है। अच्छे से हम भून लिए इसको, अभी हम दही भी डाल लेंगे। और कोथमीर पुदीना भी डालेंगे और इनको भूनेंगे। इसका पानी सूखे तक भूनना है और इसकी स्मेल गए तक। हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के बनाएंगे। A few moments later, a few. हम इसमें पानी रख लेंगे चावल बॉईल करने के लिए। 2 जग पानी ले लिए हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे हम, और ये खड़े मसाले भी डाल देंगे। अभी हमारी ग्रेवी को पकते हुए 15 मिनट हो गए। ये अभी रेडी हो गई है। हम इसको साइड में रख देंगे, चावल पका लेंगे हम। हमारा पानी अभी पक गया, हम इसमें चावल डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको 75% पकाएंगे। अभी हमारा चावल पक गया है 70%। अभी 5 मिनट में मैं पानी निकाल लूंगी इसका। हम इसका पानी निकाल लेंगे छन्नी में। हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि दाग नहीं लगे। फिर हम चावल डालेंगे। हम थोड़ा सा रख लेंगे। अब जो ग्रेवी हम बनाए थे ये डाल देंगे। अगर चावल ज्यादा है तो 2-3 तहे लगा सकते। ये चावल 1 किलो है इसलिए मैं 1 ही लगा रहे हैं। ये मसाला सारा हम डाल लेंगे। हम सारा फैला लिए इसको। हम कोथमीर पुदीना भी डाल लेंगे। और जो बाकी चावल है ये भी डाल लेंगे। इसमें हम कलर डालेंगे इस तरीके से। छोटे छोटे गड्ढे बनाएंगे हम। जो कलर मैं बताई थी आप लोगों को वो है ये। बाकी का इस तरह से डाल देंगे। प्याज डाल लेंगे हम। और घी डालेंगे थोड़ा सा। ये ऑप्शनल है, तेल भी डाल सकते। हम इसमें हम फिश भी रख लेंगे इसमें इस तरह से। ये फिश का नाम है रूपचंद। सुनने में अजीब है लेकिन इसका नाम रूपचंद है। हम इस पे सारा लगा लेंगे फिश। इसको भी हम खाने के साथ दम देंगे। हम एक तवा रख लिए वेस्ट वाला, दम के लिए हम इसको रखेंगे 20 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट के बाद मैं डिश आउट करके बताऊंगी। अभी हमारे 20 मिनट्स हो गए। माशाल्लाह हमारी बिरयानी दम हो गई। अभी मैं डिश आउट करूंगी। फिश निकाल लिए हम। अभी हम डिश आउट करेंगे। हम 2 चमचे ग्रेवी में डाले थे, 1 चमचा चावल में डाले थे हम। नमक बराबर हो गया नमक हमारा। अभी मैं डिश आउट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी अभी हैदराबाद की मशहूर फिश बिरयानी बनके तैयार है। आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जज़ाकअल्लाह।